नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो गाइस। गाइस, आज हम बात करेंगे धर्म और विज्ञान के अंतर की। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करें, बिकॉज गाइस हमको भी मोटिवेशन मिलेगी और नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचाने की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी धर्म और विज्ञान के अंतर की। तो गाइस, सबसे पहले डैन ब्राउन ने कहा है कि साइंस एंड रिलीजन आर नॉट एट ऑड्स, साइंस इज सिंपली टू यंग टू अंडरस्टैंड। गाइज, आप सब ने कहानी सुनी होगी कि मैसिडोनिया का राजा अलेक्जेंडर इंडिया आया था, तो ग्रीक हिस्टोरियंस ने लिख दिया कि अलेक्जेंडर ने भारत के राजा पोरस को हराया था और हम सब ने उसे इतिहास मान लिया। लेकिन हमारे वेदों पुराणों में लिखी हुई बातों को हम इतिहास क्यों नहीं मानते? उसे क्यों हम जस्ट माइथोलॉजी का दर्जा दे देते हैं? वो इतिहास क्यों नहीं? क्या कोई फिक्शन स्टोरी किसी की नंबर ऑफ जनरेशन को डिस्क्राइब कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। हमारी धार्मिक पुस्तकों में बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं गाइज, जो साइंस ने बहुत देर के बाद डिस्कवर किए, लेकिन हमारी पुस्तकों में सदियों पहले से लिखे हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे ही दिलचस्प तथ्यों की। तो सबसे पहले बात करते हैं हनुमान चालीसा की। गाइज, हनुमान जी के बचपन में सूर्य को खाने की कहानी आप सब ने सुनी होगी। कहते हैं कि एक बार हनुमान जी को बहुत भूख लगी थी, जब कुछ खाने को नहीं मिला तो वो सूर्य देव को फल समझकर खाने के लिए चले गए थे। इसी कहानी से संबंधित पंक्ति हमें 16वीं सदी में तुलसीदास द्वारा लिखित हनुमान चालीसा में मिलती है। वो पंक्ति कुछ इस प्रकार से है, युग सह सत्र योजन पर भानु लील्यो ताही मधुर फल जानु। गाइज, भानु का अर्थ होता है सूर्य यानी कि सन, और इस पंक्ति का अर्थ है कि जो सूर्य युग सह सत्र योजन पर है उसे हनुमान जी मधुर फल जानकर खाने चले गए थे। यहाँ पे गाइज, युग का अर्थ होता है 12,000 डिवाइन ईयर्स, सहसत्र का अर्थ होता है 1,000 एंड योजन का मतलब होता है 8 माइल्स। अगर हम तीनों इस संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आता है दैट इज़ 9.6 करोड़ माइल्स। यही गाइज जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो डिस्टेंस है, जो बाद में क्रिश्चियन हिगन्स द्वारा खोजी गई संख्या है, उसके बहुत ज़्यादा करीब है। यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो डिस्टेंस है वो हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, जो साइंस ने बाद में डिस्कवर किया। इस साइंटिफिक फैक्ट से अनजान हम हनुमान चालीसा को केवल हनुमान जी की प्रशंसा में गाए हुए एक कविता ही आज तक मानते आए हैं। आगे बात करते हैं गुरबाणी की। मॉडर्न साइंस आज तक नए प्लैनेट्स पर रिसर्च कर रही है, लेकिन सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने 15वीं सदी में जपजी साहब की पौड़ी नंबर 22 में कहा है कि पताड़ा पताल लख अगासा अगास, जिसका अर्थ होता है कि देर आर प्लैनेट्स ओवर प्लैनेट्स एंड लैक्स ऑफ स्काइज। तो गाइज, इससे हमें पता चलता है कि गुरु ग्रंथ साहिब इज़ नॉट जस्ट अ बुक ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल्स बट अ बुक ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। आगे बात करते हैं भारत के सबसे बड़े युद्ध की कहानी महाभारत की कहानी के बारे में। महाभारत की कहानी में कौरवों पांडवों के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन गाइज महाभारत में भी कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो मॉडर्न साइंस ने बहुत देर के बाद डिस्कवर किए। चलिए चर्चा करते हैं उन्हीं कुछ फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले महाभारत में मेंशन आता है कि गांधारी के 100 पुत्र थे, लेकिन उन 100 पुत्रों को उसने अपनी वोम से जन्म नहीं दिया था, जो आज के टेस्ट ट्यूब बेबी कॉन्सेप्ट जैसा है। उसी तरह से गाइज मेंशन आता है कि देवकी जो वसुदेव की वाइफ थी, कृष्ण के जो पेरेंट्स थे वसुदेव एंड देवकी, देवकी के 7वें पुत्र बलराम जो कृष्ण के बड़े भाई थे, तो देवकी के 7वें पुत्र बलराम को योग माया ने वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। कह सकते हैं गाइज कि इसी कंसेप्ट को आज हम सरोगेसी के नाम से जानते हैं। सेम कहानी गाइज भागवत पुराण में भी मैंशनड है कि योग माया ने बलराम को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था, जो आज के सरोगेसी कंसेप्ट से मिलता जुलता कंसेप्ट है। तो गाइज महाभारत में एक और भी कहानी आती है। कहते हैं कि जब कौरव पांडव छोटे थे, बचपन में थे, तो उस समय कौरवों ने उनके मतलब कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे कौरवों और पांडवों में। उसी कॉन्फ्लिक्ट के चलते कौरवों ने भीम के खाने में जहर मिलाकर उसे नदी में फेंक दिया था, और कहते हैं कि नदी में जाने के बाद भीम ने सर्पों की वजह से भीम का जहर उतर गया था। साइंस ने गाइज बहुत देर के बाद डिस्कवर किया कि जो वेजिटेबल पॉइजन होता है उसके लिए स्नेक पॉइजन एंटीडोट का काम करता है। महाभारत में एक और कहानी का मेंशन आता है, अभिमन्यु की कहानी का। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे, सुभद्रा जो कृष्ण जी की सिस्टर थी। कहते हैं कि जब सुभद्रा जी प्रेग्नेंट थी और अभिमन्यु सुभद्रा जी के पेट में थे, तो उस समय अर्जुन और सुभद्रा के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा था,
और उस कन्वर्सेशन के दौरान अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे। तो महाभारत में मेंशन आता है कि अभिमन्यु ने अपनी माँ के पेट में ही वो सारी कन्वर्सेशन सुन ली थी। आज तक लोग बड़ा उस बात को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि ऐसे कोई अपनी माँ के पेट में कैसे कोई बात सुन सकता है, लेकिन मॉडर्न साइंस ने डिस्कवर किया है कि ये पॉसिबल है। डॉक्टर मैकोटो शिचिंदा की बुक द राइट ब्रेन एजुकेशन इन इन्फेंसी में वो बताते हैं कि हमारा राइट ब्रेन जेस्टेशन पीरियड के दौरान भी एक्टिव होता है। आगे बात करते हैं कुरान की। कुरान शरीफ के 41वें चैप्टर के 21वें वर्स में लिखा है, योर स्किन विल बी विटनेस अगेंस्ट योर सिंस, यानी कि आपकी स्किन आपके द्वारा किए गए पाप के खिलाफ विटनेस का काम करती है। गाइज, इट्स वेरी मच सिमिलर टू टुडेज साइंस ऑफ फिंगरप्रिंट्स। जैसे आज की साइंस से किसी क्रिमिनल केस में पुलिस व्यक्ति के फिंगरप्रिंट से क्रिमिनल का पता लगा लेती है, क्योंकि हर व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, वही कंसेप्ट कुरान शरीफ में 7वीं सदी से मैंशनड है। ऐसा ही एक और कंसेप्ट कुरान में मैंशनड है। कुरान के चैप्टर नंबर 57 के वर्स 27 में मैंशन आता है कि अर्थ पर शुरू से आयरन नहीं था, यानी कि लोहा, बल्कि स्पेस से आया था। आजकल साइंस भी इस बात को मानती है। सो गाइस, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स हमारी धार्मिक पुस्तकों से। गाइस, फैक्ट्स तो और भी बहुत सारे हैं, हम इस वीडियो का पार्ट 2 भी बना सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और गाइस प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, लाइक कर दिया करें, बिकॉज हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलती रहती है ताकि हम और नई नई अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों तक लाते रहें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। शुभ रात्रि।